सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज चूंकि वसई विरार में पूरी तरह बंद था, एक बार आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लोगों ने बहुत अच्छा सहकार किया, लोग सहभागी हुए कि कोरोना वायरस और किसी को ना हो, इसको लेकर लोग घरों से बाहर नहीं निकले, कम निकले, जितने अधिक हर दिन निकलते थे उससे आज कम निकले। इसके अलावा दुकानें बंद रही, आज लगभग 100% के आसपास वे दुकानें सारी बंद थी जिन्हें आदेश दिया गया है बंद करने के लिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं, इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सुनिए अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और समाजसेवियों ने क्या क्या बातें कही। कोरोना वायरस से आप लोग सावधान रहें, डरे नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहें सभी लोग। ऐसे मेरी आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग को सचेत रहना है, सावधान रहना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, ये बहुत बड़ा कदम है कि मेरे ख्याल से राष्ट्र में ऐसा आह्वान आज तक नहीं हुआ है कि जिससे जनता स्वयं जनता के लिए अपने लिए कर्फ्यू लगावे। लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इससे देश की जनता जो है सुरक्षित रहेगी, लोग इनिशिएटिव लेंगे, कहीं ना कहीं देश सुरक्षित रहेगा। देखिए ऐसा है कि जो मोदी जी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया है, ये मेरे हिसाब से शनिवार रात से ही लोग नहीं जाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे। शनिवार रात, संडे पूरा दिन और मंडे संडे पूरी रात, मतलब 36 घंटे हो रहे हैं। और 36 घंटे अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ये वायरस का जो है, जो इंसानों के शरीर को जो ढूंढ रहा है, उसका चैन टूटेगा और इससे काफ़ी वायरस कम हो जाएंगे और काफ़ी इसके अंदर का संक्रमण कम हो जाएगा। मैं इसी लोगों से निवेदन करूँगा कि जो मोदी जी ने जो जनता ये कर्फ्यू लगाया है और वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो कर्मचारी इस दहशत वाले माहौल में और इस संक्रमण वाले माहौल में जो काम कर रहे हैं, उनको सहकार्य करें और मोदी जी के ये जो जनता कर्फ्यू है इसको सहकार्य करें। देखिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने मुख्यमंत्री उद्धव साहब, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है लोगों को, उस हिसाब से रहना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं, सावधान रहना चाहिए, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले, ज़रूरत अगर है तो ही निकले। यानी महानगर पालिका भी ध्यान दे रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है और लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। ज़्यादा जहाँ भीड़ रही वहाँ नहीं जाना चाहिए, बच्चे लोगों को भेजना नहीं चाहिए। मैं दो दिन से ऑफिस में आता ही नहीं, मेन बात अगर कुछ खास काम रहेगा तो ही आता हूँ। और लोगों को बोला भी है मैं कि अगर खास काम को ज़रूरत रही तो ही आ जाओ, नहीं तो दो तीन दिन आराम करो। सरकार ने बोला, अपने CM साहब ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया लोगों को, तो उस हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए। पब्लिक से हमारे यार मित्र जितने हैं सब मोदी जी जो बोले वो सहयोग करें, डरे मत, लेकिन जो है संडे को जो भाई घर से एकदम मत निकलिए। घर से संडे को अगर निकलेंगे तो जो दवा ववा का छिड़काव होगा सब वो सब दिक्कत होगा, इसलिए घर से मेरा आह्वान है कि यही कि घर से एकदम मत निकलो, घर में अपना एंजॉय करो, कुछ नहीं हो, डरो वरो मत भाई, डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है, लेकिन ये सहयोग करेंगे तो अरोना करोना सब खत्म हो जाएगा। वायरस से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, उसको हम डट कर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि आप लोग कम से कम 24 घंटा घर के अंदर में 7 से और 9 बजे तक आप लोग घर में रहिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री और हमारे देश के जितने भी मंत्रालय हैं सब बराबर सपोर्ट कर रहे हैं और सब जगह साफ सफाई हो रही है और पहले से ही तैयारियाँ हैं जिसकी वजह से कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल करना चाहिए, प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं और जनता को उसके पीछे और उस हिसाब से ही रहना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रविवार के दिन सुबह 7 से रात को 9 बजे तक अपने घर से नहीं निकलिए और कोरोना वायरस का मुकाबला करिए। मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक पे इस पर ना ध्यान दें, कृपया ध्यान इतना ही दें कि कल संडे है और संडे के दिन 7 से 9 बजे तक कृपया ध्यान दें, नहीं निकलना है और जो संक्रमित हैं, जिसको हुआ है, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे को नहीं होएगा, नहीं एकदम ज़रूरत नहीं है, कल का दिन का पालन करें, होएगा ही नहीं। सुना आपने, ये तो लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तो कहीं ना कहीं हमें भी इन सब बातों को मानना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रविवार का दिन जब प्रधानमंत्री पूरे देश को वो आह्वान कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, अनुरोध कर चुके हैं कि सभी जनता कर्फ्यू का
सम्मान करें और उससे पालन करें, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है। संडे को हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ संडे अपने घर पर बिताएंगे और शांति से इस पूरे कोरोना वायरस का सामना करेंगे, इसे लड़ेंगे। हमारे भारत देश के किसी व्यक्ति को ऐसा कोरोना वायरस ना हो, इसका टट का सामना करेंगे और सावधान, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।